जीवन की गवाही कि जब तक 3-4 साल हो गए इन्होंने लगातार इस मिनिस्ट्री में आना शुरू किया। प्रभु जी ने इन्हों बहुत सारिया आशीषा के नाल ब्लैस किया। सिस्टर जब इस चर्च में आते हैं प्रभु ने इन्हों हर चीज़ के नाल ब्लैस किया। इन्हों के जीवन साथी 1 महीने तो वेले से जब प्रभु के दास घोषणा करते कि जिन्हों के कोई काम नहीं है आत्मा में छू है जिन्होंने छूना चाहते सिस्टर अपने जीवन साथी आत्मा में छूते रहे और प्रार्थना करते रहे। 1 महीने तो जी इन्हों की लत के दर्द होंगी सी और दर्द बहुत तेज होंगी सी जो काम करते भारा से दर्द के कारण इन्हों कोई काम जरा हो नहीं सी रहा बिल्कुल वेले से अचानक प्रभु जी ने इन्हों के मन में पाया। इन्हों का कोई विचार नहीं कि असी बैटरी वाला आटो रक्षा लेना। प्रभु जी ने सारे इंतजाम को किया और अज इन्हों बुधवार का नवे आटो रक्षा के नाल ब्लैस किया बैटरी वाले के नाल। इस महान कृपा वास्ते ते आशीष वास्ते अपने दासों का अपने प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते सब भैन भाई ज्यादा तारीफ करेंगे आमीन। मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। वेरी नाइस सर तारीफ करो जोर दे नाल। वेरी गुड आज तुझसे इस गवाही नु बड़े आनंद दे नाल देना म्यूजिक बिल्कुल लॉक करना। आमीन म्यूजिक बिल्कुल हां ते लॉक कर लो फिर तो शुरू करें। सुनो सुनो बीबी का नाम ग्रेस इन्हों की बेटी का नाम मंजू पिंड नागकला इन्हों की बेटी के जीवन की गवाही की बेटी के पत्ती पिते दे विच पत्थरी सी और जब इन्हें टेस्ट करवाया सी तो टेस्ट में इन्हों डॉक्टर ने कहा कि खाने वाली नाली दे विच भी पत्थरी है। इन्हें प्रभु के दासों को प्रार्थना करवाई और जब दोबारा इन्हों की बेटी का ऑपरेट होना सी तो जो प्रभु के दासों ने मगर प्रार्थना की उन्होंने प्रेरणा के द्वारा जो डॉक्टर कहते कि नाली दे विच भी प्रार्थना पत्थरी है और पित्ते दे विच भी पत्थरी है दो ऑपरेट करने पैने ने। प्रभु की महान कृपा इन दासों के द्वारा वचन के द्वारा प्रभु जी ने सिस्टर को एक ऑपरेट तो छुटकारा दिता और खाने वाली नाली दे विच जिहड़ी पत्थरी सी और नहीं आई और पित्ते की पत्थरी का ऑपरेट होया। ऑपरेट भी बहुत वधिया है बेटी बिल्कुल इस टाइम तंदुरुस्त। इस महान कृपा वास्ते एक ऑपरेट तो बचाउण वास्ते अपने दासों का अपने प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते सब भैन भाई जोरदार तारीफ करांगे आमीन। आमीन रुक जो तो बड़ी जो तुम पितरे पिते की पत्थरी थोड़ा कैमरा मेरे वाली रखना दोनों साइडा मैं सिस्टर को फड़ा हालेलुया कैमरा मेरे वाल रखना दोनों साइडा कैमरा को। पहले नंबर से यह दसो कि जो ताड़ी पहली बेटी दे भी पिते च पत्थरी सी उस तो बाद डायलिसिस बहुत सारिया प्रॉब्लम आ गई। दसो इस बीबी ने फड़ा दो सेकेंड मैक तुम फिर 2 मिनट मैक में बोलो जस और नौ च बोलना हाँ कि नहीं। पहली बेटी से जो ओने भी पिते च पत्थरी ही तुम मैक बिल्कुल मुँह लग रहे हो। हाँ जी हाँ बोलो बोलो पत्थरिया सी थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे यार मैक का। हाँ 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 इन्होंने वाले भी पत्थरिया सी उस तो बाद कि इलाज कराया बहुत सारा इलाज पर डैथ हो चुकी है। कितने लोग सुन रहे सेम प्रॉब्लम जी सिस्टर आ सेम ही उन्होंने प्रॉब्लम सी और साड़ी बीबी ये जगह पर आ बीबी साड़ी बीबी रोजी ने कहा भी नहीं इस बार पहले भी चलो इन्होंने मेरे को प्रेयर करवाई सी पर जी फैमिली पिछे परिवार से उन्हें आख्या भी असं पहले भी पास्टर के को प्रेयर करवा रहे हैं तो तुम्हें पता बाइबल च लिखा प्रभु ने हर एक अलग अलग मसा किया दिता कि नहीं दिता जे तुम शक है तो करंथियां पहला वह 12 अध्याय जाके घर जाके पढ़ लियो। इस सिस्टर भी सेम प्रॉब्लम उही हुई वो डायलिसिस जो है प्रॉब्लम हुई उस तो बाद डैथ हो गई क्योंकि शैतान का बेहद जोर से जिधर इन्होंने टेस्ट तुम कितों टेस्ट कराया सिस्टर तुम 2 मिनट मैक च बोले जिदन अपने पिंडों जो तुम मेरे गल की हूँ तुम मैक दसो इन्हों सारा थोड़ा नाम की आ अपना मैक पूरा। हाँ हाँ मेरे पेके जेड़े नाकलां दे विच आ ते मेरे सहुरे जेड़े आ शिकार माशियां दे विच आ और ये भैन कह रही है कि जो मैं टेस्ट कराया तो पहला जो मैं टेस्ट कराया मेरे पिते विच पत्थरी आई और जेड़ी फूट पैप नाली दे विच एक पत्थरी सी उन्होंने बोलिया किन्ने हजार का ऑपरेशन टोटल किन्ने मंगते दस
मैं एक लागे करो ना तू मैं एक फाड़ तू चढ़ दे हाँ हाँ उन्हें 15,000 रुपया मंगया है किन्ना ने 15 ही ने 15 कलानौर वाले कलानौर वाले को पगे बुधवार ਉਹਨਾਂ ਹਨ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾ ਕੇ ਗਈ ਇੰਨਾ ਹੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਨੌਰ ਤੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਈ ਉਹ ਕਲਾਨੌਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਫੇਰ ਕਰਾਇਆ ਇਸ ਕਟਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕਰਾਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਆ ਕੱਲੀ ਪੱਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਥਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਥਰੀ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰੀ ਉਹ ਨਾਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਇੰਦੀ ਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 80,000 ਰੁਪਿਆ ਲੱਗੂ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 80 ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ 80 ਹਾਂ ਤੇ 15 ਦੂਸਰਾ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 80 ਮਤਲਬ ਕਿ 95 ਟੋਟਲ 95 ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਖ ਲਾ ਲਓ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੀ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਈ ਜਦੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਪ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿੱਧਰ ਚਲ ਗਈ ਇੱਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ 50,000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50,000 ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਪ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪੱਥਰੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ 50,000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ 15,000 ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਝੂਠਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਆ ਕਿਉਂ ਸਿਸਟਰ ਪਹਿਲੀ ਸਿਸਟਰ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੇ ਸਭ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਗਵਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆਮੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਆ ਕੀ ਆ ਪੱਤਰੀ ਆ ਅੱਛਾ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਓਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਲੱਗਦਾ ਉਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਵਾ ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਭ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੋ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁੜਦਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਥੋੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਘੱਟ ਰੱਖ ਚਾਰ ਵੋਲੀਅਮ ਘਟਾਓ ਸਿਸਟਰ ਨਾਮ ਰਜਨੀ ਪਿੰਡ ਬੀਰਬਲ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਸਟਰ ਜਦ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ 4-4 ਘੰਟੇ ਗੁੰਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਆਊਗੀ ਨਾ ਬੀਪੀ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ ਜਦ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਆਉਣੇ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੀਪੀ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸਭ ਨਾਰਮਲ ਆਏ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ
ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੋ ਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮੇਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜਦ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ
तारीफ करो तारीफ करो। मेरे जीवन च परमेश्वर ने और मेरे पति के जीवन च बहुत वड्डा काम किया है। मेरी उही गवाही है कि मेरे जीवन साथी ने बाहर जाना सी, ना कोई पैसे का इंतजाम ही उधरों, असी बहुत ज़्यादा कर्जे के थले, ना कोई सानू पैसे देता सी। तो उधरों इस तरह वड्डे संतां ने प्रोफेसी की कि असी बाहर चल जाओगे तो असी जल्दी, उन्होंने प्रोफेसी की। 15 दिनों के मेरे जीवन साथी की इंटरव्यू हुई, मैडिकल होया, तो बाहर का सारा इंतजाम होया, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं सी। जिद को असी मंगते सी कोई नहीं सानू दिंदा, तो जिहड़े बंदे को मंगे सी उह कहिंदा सी कि तेरे जिहड़े मेरे हसबैंड वड्डे जेठ है मेरे, कहिंदे उहदी गवाही लैणी, उहदी भी असी जगह लिखनी आ, ते नाले तेरे चाचे की गवाही लैणी, उन्हां दे चैक लैणे आ। तो मैं कहती कि जिहड़ी मेरी जठानी वो फिर कहणगे इन्हां ने साडी जगह लिखी, उन्हां दे घर च लड़ाई पएगी। असीं चाहुंदे आ कि जगह साडी लिखी जाए, उन्हां दी ना ही लिखी जाए। तो बंदे मानदे नहीं सी जिन्हां ने सानूं पैसे देने ही। बाद विच मैं 10 को प्रेयर कराई, उन्होंने मानते नहीं ही। एक हफ्ते तो उधरों जाना सी मेरे जीवन साथी ने, जल्दी उधरों मानते नहीं ही, तो उधरों 10 की प्रेयर ने उन्होंने मन चेंज किया, मन बदलिया उन्होंने बंद का। वह कहेंगे कि चल असी तेरी वाइफ दे चैक ले लाँगे, तो सारा कुछ ले लाँगे, तो तू आ जा, तेन पैसे दे दें। असी दोनों जी गए, उन्होंने मन बदलिया, उन्होंने सानू 65,000 रुपया उस दिन दे दिता। तो मैं घर आ के दसिया, उन्होंने यकीन नहीं किया, कहते नहीं मेरा जेठ कहते जिन्ने चिर तक मैं सहन नहीं ना किए उन्ने चिर तक उन्हें तुम्हें पैसे नहीं देने। मैं क्या मेरा परमेश्वर वो कर सकता जो कोई नहीं कर सकता, मैनू विश्वास ही मेरे दासा की प्रेर ने जो असी करते, उन्होंने प्रेर का उत्तर आया। फिर वो यकीन नहीं सी करते तो इस काम के बारे कि सैन चिंचर हाडे ना हो जगह ना लिखे, उन्होंने नहीं पैसे देने तू। उन्होंने पैसे दिते, फिर 20,000 रुपया होर लैना ही, वो नहीं ही देंदे। उधरों जाना ही मेरे जीवन साथी ने, उधर सानू लैने देने वाले बहुत ज़्यादा रोज़ रोज़ आन के परेशान करते ही, बह जाते ही, उठते नहीं, डिप्रैशन दे विच ना प्रेयर होनी। फिर संतों को प्रेयर कराई, रोज़ रसी प्रेयर करवाई बुआ जी को, संता जी को। तो उधरों जाना ही जिदन उदने इन रुकावटा शैतान ने साड़े जीवन च पाइया ही, ना ही साढ़े को प्रेयर होंगी ही, ना मेरे को ना मेरे जीवन साथी को। मैं सारा दिन रो के सी कटा, 2 हफ्ते बहुत मुश्किल कटे, ना रोटी खानी जिस तरह बनानी, उदा ही पई रहनी हाँ। बाद इस तरह बुआ जी को मैं दसिया कि मैं बुआ जी तो 8 बज गए रात के, तो कोई आया साढ़े घर तो जा नहीं रहा, कह दे पैसे दोगे तो ही फिर घरों जाना ही, उन्हें चिर बाहर नहीं जान देना। तो मैं रो रही थी, मैं परमेश्वर करी कि प्रभु मेरा तेरे तो सिवा कोई नहीं है, ना मेरी माँ है, ना मेरा प्यो है, मेरे परमेश्वर मेरे तू ही हाँ। बुआ जी को भी प्रेयर कराई, उन्होंने प्रेयर की, उन्होंने बंद का मन बदलिया। पहला पैसे नहीं देंगे 20,000 रुपया, उन्होंने मन बदलिया। फिर वो उस टाइम रात कहते कि चल तुम आ जाओ तो साढ़े को पैसे लै जाओ। मैं सोचती कि शायद जिनी रुकावट शैतान ने पाई है साढ़े जीवन की, शायद जा नहीं सकते बाहर। लेकिन साढ़े घर आए थे एक दिन पहला जान, तो कहते कि ये बाहर जाएंगे। फिर भी मेरे मन च शैतान पाँदा है कि नहीं इन्हें नहीं जाना। हालेलुया, जितने ले हैंड कराई है जगह आप खड़े सी, हाँ जी सब जा चुके सी, भेजता ही सारे भी जिन्हें ले हैंड करवानी तो चले जाओ, नहीं करवानी जिदन ले हैंड कराई उधर प्रभु ने बोला कि जा रहा वा, अगले दिन ही फिर उन्होंने आ गया भी जा रहा वा। क्योंकि वेखो प्रभु का आत्मा बोलता, खुदा जो कहता होंदा वा, तुहानू विश्वास करना पड़ा, सब तो वड्डी गल इही है। एक साल तो ही सोचते कि बाहर जावे, लेकिन कोई बाहर का प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, हर वक्त फेल हो जाते ही। तो जो संतां ने इस तरह बोलिया तो एकदम ही 15 दिनों के सारा कुछ होया। जिदन जाना ही उदन भी शैतान ने इन्निया ज़्यादा सानू कंफ्यूज किया, इन्निया रुकावटा, इन्ना रो रो के उदन भी अं दिन कटिया। फिर जो बुआ जी ने प्रेयर की, फिर असी भी प्रेयर की उस दिन, फिर उस बंदी ने कहा कि आ जाओ साढ़े को पैसे लै जाओ। फिर पैसे खड़े उधर को जो जड़े आन के बैठे कहते नहीं जान देना, उन्होंने भी दिते। फिर बाहर भी थोड़े चाहिए उन्होंने भी खड़े इस बंटे बंदे नूं प्रभु ने तोड़िया। दासा की प्रेयर के द्वारा जो उत्तर सानू मिलिया, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती प्रभु की हजूरी च कि मेरे जीवन साथी बाहर जा चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, नारा ते जोर दी मार दो एक बार होर। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया सब तारीफ करो जोर दे नाल। एक सिस्टर जड़ी दान दे ड्यूटी आ, सब अपने दान अपने हाथों च पकड़ लो जो प्रभु दे कम्मां विच पो। हालेलुया गवाइयां थोड़ी रोक दो बच करा दे, एक रह गई है ओ बाल्टी दूजी साइड ते आ। सब भाई अपने हाथों च अपना ऑफरिंग पढ़ लो क्योंकि समा साढ़े को इन्ना नहीं हैगा, 15 मिनट 10 मिनट सिर्फ बचन आना वा क्योंकि समा पहले हद तो ज्यादा हो चुका हो, इस तो ज्यादा नहीं क्योंकि जल्दी समाप्ति करा, वचन तो होना जरूरी है। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट सब अपनी ऑफरिंग अपने हाथों ने दान। हालेलुया सिस्टर का नाम सुरजीत पिंड बेगे वाले इन्हों के जीवन की गवाही कि पहला इन्हों के जीवन साथी जिस जगह से काम करते हो से उन्होंने तनखा जी 13,000 रुपए सी, जद वी लगातार चर्च आउंदे सी प्रभु दे दास घोषणा करदे सी कि जिन्हां दी इनकम घट है वधन वास्ते जा रहे सी रिसीव करदे रहे और प्रार्थना करदे रहे, प्रभु जी ने इन्हां दे जीवन साथी दी इनकम नूं वधाया, पहला 13,000 रुपए सी हुण 15,000 रुपए हो चुके। इस आशीष वास्ते अपने दासां दा और अपने प्रभु जी दा बहुत बहुत धन्यवाद करदे सब भैण भाई जोरदार तारीफ करांगे आमीन। दूसरी गवाही छोटी बच्ची दी है कि छोटी बच्ची दे धौण दे विच 3-4 महीने तो लूत होई सी और जो दवाई लगाते सी टू पर उहदे नाल लूत जिहड़ी हटदी नहीं सी। पिछले संडे ना प्रभु दे दासा कोलों ले हैंड प्रेयर करवाई, उस प्रार्थना दे द्वारा प्रभु जी ने बच्ची नूं लूत दी प्रॉब्लम तो छुटकारा दिता, जिहड़ी लूत सी बिल्कुल जा चुकी है। इस महान कृपा वास्ते अपने दासा दा अपने प्रभु जी दा बहुत बहुत धन्यवाद करदे सब भैण भाई जोरदार तारीफ करांगे आमीन। हालेलुया अपने दसन जैन श्री भाई किसान जैन श्री, मेरा नाम लवजीत, मेरा नाम मेरा पिंड बड़े नाग है। मेरी गवाही ये है दसा ने राती से वचन किया मतलब रात की प्रेयर जोड़ा करेगा वो ठीक होएगा, मेरे हफ्ता का हो गया बड़ी पेट च दर्द है, मैं कितों नहीं ठीक होता, बहुत मेडिसिन खाधी मिलाया भी ढिड भर नहीं करती, पता नहीं खुदा की मर्जी। बाद राती मैं 12 to 1 बजे तक प्रेयर की है, मैंने राती उत्तर आ गया भी मेरी जो दर्दी हो कमी थोड़ी हो गई, खुदा दी यो मर्जी जड़ी अपन नहीं मर्जी कर रहे, सही गल खुदा दी यही मर्जी होती भी जब प्रेयर करोगे चर्च आओगे रात में छुट्टी नहीं मारोगे तो मैं कहीं तीन 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 गवाइया दे दे तो गवाढ़ियों को हैरान करते जाओगे जिन्हें लोग सुन रहे हैं। भाई आमीन सुस्ती वाले उच्ची बोल दो आमीन भी व्याज का पैसे दे के बोलना हों कोई हाल नहीं तुहाडा फ्री च वेखण डे, कोई दूर नहीं जाना कोई बस नहीं करवानी घरे सारा कुछ मिल लिया। की ब्रदर कह रहा इन्हें 4-5 दिन तो मीटिंग च नहीं आ रहा, मैंने कले कले बंदे का पता कहना नहीं आ रहा कड़ा आ रहा क्योंकि हम दोवां जी ने कहना बंद करता जो ज्यादा कहने ना फिर ज्यादा गुस्सा करते हैं तो प्रभु अपने आप ही सारे काम सैट करी जाता। हालेलुया रात मीटिंग दर्द नहीं होगी जिन्हें लोग सुन रहे रात की प्रेयर भी करा कुछ जी लैके जा रहे तो मैं कहते गवांढी बदल रहे पड़ोसी बदल रहे मुंडे कुड़ियां बदल रहे, मैं हर घर की चीज मैं तोते बोलेंगे जिन्हें लोग सुनते हैं कुकियां बोलनगियां बोलेंगे क्योंकि जो बंदा बाइबल पढ़ता बाइबल चल गया धर्मी का वंश बचाया क्योंकि धर्मी जिस काम लिए प्रेयर करेगा उदिया गड्डियां उदा पैसा उदा बैंक बैलेंस उदे बच्चे उदी हर चीज नंबर वन होगी जिन्हें लोग सुनते हैं। लंबा जो टाइम लगता जो काम होंगे जितने टाइम नहीं लगता 2 मिनट च लोग फ्री होंगे जोर दे नाल।